और ये देवभूमि विकास नगर और उत्तराखंड पुलिस के बीच में फर्स्ट सेमीफाइनल अत्यंत महत्वपूर्ण मैच है। दोनों टीमों के बीच दोनों टीमें खतरनाक नहीं करता, हम हर हाल चलेंगे। सेमीफाइनल का पहला मैच हम इसी साल चलेंगे, जब आप और हम एक साथ हैं तो फिर हनीमून मनाने अपने निकाल चलेंगे। एक और सूचना हमें मिली है, बड़े उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। ये ले लिस्ट वाच। मैं श्रीमान राहुल चौहान जी से निवेदन करूंगा, आप श्रीमान चमन सिंह सम्मानित करें। और अतिथियों को अपना आशीर्वाद स्वरूप, खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। संजय बालियान जी, भारतीय टीम के कोच, जयपुर पिंक पैंथर के कोच, एशियाई चैंपियनशिप में जो टीम गोल्ड मेडल लाई है उसके कोच, यानी इतनी सारी उपलब्धियां और आपको अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है। हेलो, इस कार्यक्रम के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्र स्तरीय कोच हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये खिलाड़ियों को ऊर्जा देने का काम करेगा और शायद कोच साहब की नज़र जिन उम्दा खिलाड़ियों पे पड़ेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर भी आने वाले समय में अपना परचम निभाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, अमन अमान की पहचान बन जाना जरूरी है। श्रीमान सतपाल सिंह चौहान जी से निवेदन, आप मुख्य मंच से संपर्क करें। अमनो अमान की पहचान, सितम की मौत का सामान बन जाना जरूरी है। फरिश्ता बनने की कोई जरूरत नहीं, फकत इंसान का इंसान बन जाना जरूरी है। तो पहली रेड से शुरुआत हो चुकी है और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार है। देवभूमि की तरफ से पहली रेड, सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल में पहुंचकर पूरी तरह से बोनस का अंक इधर मिला, टैकल का पॉइंट उधर मिला, तो दोनों को एक एक अपॉर्चुनिटी कैश करने का मौका मिला। वेरी गुड ट्राई बाय सिक्स नंबर प्लेयर। बहुत ही बढ़िया प्रयास था यहां पर, बहुत ही बढ़िया पूरे शरीर का मोमेंटम था, लेकिन निर्णायक मौके तक नहीं पहुंच पाए, यानी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाए। हेलो हेलो, मेरा स्वागत समिति से निवेदन, हमारे बीच श्रीमान नरेश चौहान जी क्षेत्र पंचायत सदस्य लाचा उपस्थित हुए हैं। समिति श्रीमान चौहान जी को मुख्य मंच तक लाने का कष्ट करें। या भाई, यहां पर उत्तराखंड पुलिस ने यह अंक लिया। जन की है तो आप मुख्य मंच से संपर्क कर लें। हमारे बीच जैसा कि मैंने कहा, श्रीमान नरेश सिंह चौहान जी क्षेत्र पंचायत सदस्य खुन्नाल मान पहुंचे हैं। समिति से निवेदन, आप श्रीमान चौहान जी को मुख्य मंच तक लाने का कष्ट। Thank you.
या सिटिंग ब्लॉक में बैठकर हमारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, उनके अंदर भी कबड्डी को देखकर जोश आ रहा होगा कि हम भी कबड्डी खेलते हैं, लेकिन अब उम्र निकल गई, अब तो बाहर से देखने का ही मौका है। बस छोड़ दे मुझ पे मेरी जान, कहां से लाऊं अब पहले वाली वो पहचान, कहां से लाऊं दिल में अरमान बहुत है कि कबड्डी खेलूं, पर बुढ़ापे में वो तूफान कहां से लाऊं। थ्री पॉइंट्स, देवभूमि को तीन अंक और मिले। हेलो हेलो हेलो, ग्रीन कार्ड देख लिया, अब ये वार्निंग है। यहाँ पर सुपर टैकल, हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाने से हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाने से हेलो 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 हेलो। हमारे बीच त्रिभुवन जी पहुंचे हैं, आप लोकार्पण से हैं, समिति आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मुख्य मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सिंह चौहान जी का आगमन होता हुआ हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, खुन्ना अलमान से हैं और सामाजिक क्षेत्र में आपकी भागीदारी हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाती है। माननीय समिति आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। बहुत ही बढ़िया टोट हेलो टोट करने की ये कोशिश। श्रीमान सरदार सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और आगे की भूमिका अदा करें। हेलो हेलो, धन्यवाद राजेश भाई। हेलो, हमारे बीच में पहुंचे हैं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेश चौहान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम लाछा हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। क्या भाई पहला से चौहान साहब आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और हमारी जो व्यवस्थापक बंधु है पानी वाले वो कृपया मंच तक पानी पहुंचा दे। हेलो, क्या भाई दोनों टीमें प्रयासरत हैं फिलहाल यहाँ पर फाइनल में पहुंचने के लिए, बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन बढ़िया मेहनत फाइनल में पहुंचा देगी। हेलो, जैसे कि सभी को विदित है श्रीमान नरेश चौहान जी का सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपने अनेकों जगह जाकर के
इस तरह के आयोजनों में अपनी प्रतिभा किया है। आपने समिति को यहाँ पर जो आशीर्वाद दिया है, आप इस हम इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके जो समिति के लिए आपने अपना योगदान दिया है, आपने हमारे समारोह में चार चांद लगाने का काम किया है, आपका चौहान साहब हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें तैयार हैं। हेलो हेलो, हाँ दोनों टीमें जोर लगाएं भाई, पूरा फाइनल में पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करें। कोई कहता है कि गर्मी जोन में होती है, कोई कहता है कि गर्मी खून में होती है। ना गर्मी जोन में होती है ना खून में होती है, गर्मी तो दोस्तों जीत के जुनून में होती है। पहला हाफ जारी है, कुछ भी हो सकता है मैच में, ऐसी बात रही है। और एक जैसे कि आप सभी को मालूम है, जौनसार बावर में जितने भी मंदिर बने हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरेश चौहान जी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपने महारत हासिल की है, इसके लिए समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करती है। भाई नरेश चौहान आज हमारे बीच में पहुंचे, आप आज के अति विशिष्ट अतिथि हैं। आपको समिति ने आमंत्रित किया है, आपने उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच में प्रतिभा किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई नरेश चौहान जी किसी पर जगह मोहताज नहीं है, मैं किसी भी समाज के क्षेत्र में बात करूं, आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आप निस्वार जौनसार बावर के विकास में अपना अमूल्य समय दे करके आप निस्वार सेवा करते हैं, इस सेवा का हम यहाँ पर आपको साधुवाद देते हैं कि आप जो काम समाज के लिए कर रहे हैं, जौनसार बावर के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको अभिनंदन और स्वागत करती है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मेरा आग्रह कि आप इंजीनियर साहब नरेश चौहान इंजीनियर और समाज सेवक आप बैच लगा करके सम्मान करेंगे। हेलो, बहुत ही बढ़िया, अभी तक इसको हमें मोमेंटो से सम्मान जो करेंगे हमारे समिति के कोषाध्यक्ष पूर्व कोषाध्यक्ष अमित जोशी जी से, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इंजीनियर साहब नरेश चौहान जी को मोमेंटो दे। बहुत ही बढ़िया, करीबी मामला है, बिल्कुल स्कोर लगभग बराबर है अभी। और मैं शॉल ओढ़ा करके जो श्रीमान नरेश चौहान इंजीनियर साहब का स्वागत करेंगे, श्रीमान गंभीर चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, आप समिति के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा आग्रह और आपके साथ हमारे जो संरक्षक मंडल के सदस्य हैं श्रीमान रणवीर सिंह तोमर जी, श्रीमान मुन्ना सिंह राणा जी से अनुरोध है कि आप इंजीनियर साहब का और समाज सेवक के हमारे नरेश भाई का सम्मान करने का कष्ट करें। बहुत ही बढ़िया, देखो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना था रेडर का, और हर संभव प्रयास करेंगे कि कोई गलती करने को कोई डिफेंडर सामने। जैसे कि हर मानस को पता है कि जौनसार बावर में जितने भी सुंदर मंदिर बने हैं मासूम महाराज के, मुझे तो ये लगता है कि मासूम महाराज की कृपा ही होती होगी कि आप निस्वार्थ भाव से जो मंदिरों का सौंदर्यकरण, मंदिरों का नव निर्माण जो करते हैं, उसकी जो शक्ति आपको दी है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से मासूम महाराज और भगवान शिव का आपके ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद रहता है, क्योंकि आप
निस्वार्थ भाव से विकास नगर से जाकर के दूर दराज तक पहुंच करके मंदिरों को देखते हैं और वहां का डिजाइन, वहां का सौंदर्यकरण, वहां का नव निर्माण किस तरह से होगा ये आप परिभाषित जानते हैं। और मैं कहूंगा कि आप ऑलराउंडर हैं, ए टू जेड जिसको कहते हैं कि आपके अंदर सारी कलाएं विद्यमान है। भाई साहब आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दूसरे सेमीफाइनल की टीमें लखाओ टीम और केसरी चंद युवा समिति, दोनों टीमें ग्राउंड के पास आ जाएं और एकदम तैयार रहें। एक पॉइंट और कमा लिया है। हेलो हेलो और ये उत्तराखंड टीम से आईटीबीपी के बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। उस टीम के दूसरे रेडर भी हैं यथार्थ पांच नंबर जर्सी में जो यूपी योद्धा का हिस्सा रह चुके हैं प्रो कबड्डी में भी। हेलो, ये सेमीफाइनल चल रहा है, कृपया प्रॉपर कमेंट्री करें और एम्पायर से निवेदन है सिर्फ कार्ड दिखाएं, कोई भी खिलाड़ी करते उसे सीधे बाहर कर दें क्योंकि सेमीफाइनल चल रहा है। सेमीफाइनल फाइनल में कोई बाहर से नहीं बोलेगा, सिर्फ एम्पायर कार्ड दिखाएंगे और टीम को बाहर भी कर सकते हैं। कृपया ये सेमीफाइनल फाइनल की कमेंट्री प्रॉपर करें, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक नंबर जर्सी में रेडर उत्तराखंड पुलिस की तरफ से बहुत ही बढ़िया। पहले भी रेड बढ़िया थी इनकी लेकिन यहाँ पर खाली हाथ लौटे थे पहले भी और इस बार भी इन्होंने प्रयास किया लेकिन इस बार भी खाली चले गए। और यहाँ पर ये रेड देवभूमि एकेडमी की तरफ से आठ नंबर जर्सी में स्कोर फिलहाल बराबर है। स्कोर इन लेवल और काफी देर से पहले 13-13 बराबर थे उसके बाद 14-14 बराबर थे और अब जितना भी है बराबर है, अब 18 बराबर है। और ये अब बढ़ा इनका, अब देवभूमि एक कदम आगे चली गई और इनका 19 हो गया और उत्तराखंड पुलिस जो उधर वाली साइड में है उनका 18 है। बेहद रोमांचक स्थिति और बहुत ही बढ़िया प्रयास। देवभूमि ने एक और अपॉर्चुनिटी, एक और अवसर बुना लिया और इसी के साथ दो अंकों की लीड। बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, 20-18 का स्कोर है। एडवांटेज इन फेवर ऑफ देवभूमि और इसी के साथ एक और जिया। इस बार 21-18 का स्कोर हो गया है। पहले आपकी समाप्ति 21-18 पर। देवभूमि की टीम जो हमारी तरफ थी अब वो दूसरी तरफ चली गई जिन्होंने 3 अंक अधिक बना रखे हैं। यहाँ पर रेड की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, इनके पास ये गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है। और शुरू से ही अपनी गाड़ी का छठा गियर लगा के रखना पड़ेगा वरना अभी दिल्ली दूर है और अब और दूर हो गई थोड़ी सी। हेलो हेलो, उत्तराखंड पुलिस की टीम अभी थोड़ा सा माइनस में, 4 पॉइंटों का इनके ऊपर कर्जा है, वो कर्जा जल्दी उतारना पड़ेगा। हमारे बीच में श्रीमान दर्शन चौहान परियार पहुंचे हैं, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कल्याण सिंह नेगी ग्राम डांडा, आप समाज सेवक हैं, आप भी पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप लाल सिरगोड पब्लिक स्कूल कोटी खत बिछाएल, आपका शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्णीय योगदान है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह ही है, आपने गरीब जनमानस के बच्चों को उच्च
उच्च स्तर पर पहुंचाने का जो कार्य किया है आपका तारीफ काबिल है। आप हमारे अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जी हाँ भाई, हमारे बीच में जो मेहमान हैं बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां इनके सबके नाम है, जो स्टेज पर मंचासीन है, सामने बैठ के कुछ बात भी हो सकती है, आप चाहे तो मुलाकात भी हो सकती है। किसने समझा है बदलते हुए मौसम का मिजाज, धूप रहते हुए बरसात भी हो सकती है। एक और टैकल कर लिया और देखो ऑल आउट हो गई टीम। पहले हाफ की समाप्ति पर 3 पॉइंटों का नुकसान था और अब ऑल आउट होने से और ज्यादा माइनस से ही आगे जल्दी जल्दी, पहले 4 का घटा था अब 8 का हो गया है। और जो टीमें हार कर जा रही हैं वो चिंता ना करें भाई, मैंने कल भी कहा था कि तुम्हारी हार भी मुझे जीत जैसी लगती है और ये मायूसी मधुर संगीत जैसी लगती है। मेरी शकल तुम्हें भले ही गुरमीत राम रहीम जैसी लगती हो और तुम्हारी शकल मुझे हनीप्रीत जैसी लगती है। यहां पर जारी बहुत ही बढ़िया। ये देखो दोहरा नजरिया अपना रखा था कि अगर टो टच ना हुआ तो हैंड टच जरूर करना है, तो यहां पर टो टच की बजाय हैंड टच करने से लाभ मिला। अब जो थोड़ी देर पहले 8 पॉइंटों की लीड थी उसमें से 1 इन्होंने बना लिया, 7 का कर्जा अभी भी बचा हुआ है। और जी के साथ बहुत बढ़िया, अभी इन्होंने घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली। टैकल पॉइंट, बोनस का उधर भी है। जी हाँ भाई, रेफरी का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और इसके अलावा उन्होंने जो खींची थी वो पत्थर की लकीर है। और जी के साथ निकलने की कोशिश की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगली रेड बहुत ही बेहतरीन, अब निचोड़ पर पहुंचता जा रहा है मैच धीरे धीरे। देवभूमि की तरफ से अगली रेड। हेलो, हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील उंडियाल गामा जी, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा हमारे समिति के जो सदस्य हैं, स्वागत समिति के, आपसे मेरा आग्रह कि आप महापौर को सम्मान सहित मुख्यमंत्री तक लाने का कष्ट करें। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में देहरादून के महापौर उर्फ नगर निगम के चेयरमैन श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी पहुंचे हैं, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसे कि आप सभी को विदित है ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपके क्षेत्र में हो रहा है। जिस प्रकार से आपने वीर शहीद केसरी चंद जन्मोत्सव के लिए प्रयास किया है और उनके जन्मदिवस पर यह खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है उसमें भी आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे हम महापौर का समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत समिति के लोगों से निवेदन, स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। और हम मैं निवेदन करूंगा हमारे जो संरक्षक महोदय हैं आपसे भी मेरा अनुरोध है कि महापौर का स्वागत करें। सपने में एक हसीन चांद दिखने वाला था, मेरे कलम की रोशनाई बिखर गई वरना मैं अपने दिल पे तेरा नाम लिखने वाला था।
अगला मैच मेजबान टीम केसी चंद युवा समिति वर्सेज लखावटी। दोनों टीमें वर्चस्व की लड़ाई के लिए तैयार हैं, दो दो हाथ करने के लिए सेमीफाइनल में। दूसरा सेमीफाइनल अगला इन्हीं दोनों टीमों के बीच है, पहला इन प्रोग्रेस है। विशेष एक विशेष सूचना, जब हमारे अतिथि लोग ग्राउंड में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, तो थोड़ा सा इस बात का आप ख्याल रखें, हमारे बाएं तरफ नमामि गंगे का जो अभियान चल रहा है, साक्षरता अभियान जो चल रहा है, उसमें भी आप सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कॉर्डलेस माइक मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे, हमारे संरक्षक महोदय श्रीमान रणवीर सिंह तोमर जी के पास मैदान से कॉर्डलेस पहुंचा दे। तो भाई यहां पर अब पहला सेमीफाइनल अपने आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे आता जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ देवभूमि जो विकास नगर की बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही फेमस और मशहूर टीम मानी जाती है, उसने अपने सिकंजे को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है और उनका टाइम बिताने का मतलब यही है कि उनका पल्ला झुका हुआ है। माननीय महापौर साहब आप पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन का समिति करती है। जैसे कि आपको मालूम है कि वीर शहीद केसरी चंद का जो जन्मोत्सव इस ग्राउंड में मनाया जा रहा है, आपने इसके लिए अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया है, आपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने का जो काम किया है, इसके लिए समिति आपकी ऋणी रहेगी। और मैं निवेदन करूंगा आपसे संक्षेप में कि आपको जैसे मालूम है इतने बड़े आयोजन करने में समिति को बहुत बड़ी कठिनाइयां हो रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी आप इस समिति के लिए बड़े आप करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि समिति इस समय ऐसे आयोजन और हमारी जो पौराणिक विरासत होती है उसको बचाने के लिए, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी जो विरासत है उसको बचाने के लिए हमको भरसक प्रयास करने होंगे। तो इसीलिए महापौर साहब मेरा आपसे संक्षेप में अनुरोध है कि आप भलीभांति जानते हैं समिति आर्थिक संसाधनों से गुजर रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी आपसे बन पड़ेगा आप समिति के लिए करने का कष्ट करेंगे और समिति आपकी आजीवन ऋणी रहेगी। महापौर जी का पूर्व अध्यक्ष भाई तजवीर जी से मेरा अनुरोध कि आप श्रीमान सोनी नोलियार गामा जी महापौर देहरादून का बेस्ट अलंकृत जो थोड़ा सा समिति के बारे में संक्षेप में जो समिति की रूपरेखा रखेंगे उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े भाई श्रीमान भारत चौहान जी को। आप मंच तक आए और संक्षेप में महापौर के सामने आप समिति का उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भाई। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब देहरादून के इस आंगन में वीर शहीद केसरी चंद का 104वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय में देहरादून के जो प्रथम नागरिक है श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी, आपका हमारे बीच में आज और कल भी आप उपस्थित थे और आज भी उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका समिति के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक दो बात आपके संज्ञान में लाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मंच पर हमारे बीच में है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि संरक्षक के रूप में श्रीमान मुन्ना सिंह राणा जी, श्रीमान रणवीर सिंह तोमर जी, जौनसार बाबर गो सेवा सहयोग समिति के अध्यक्ष श्रीमान सीताराम चौहान जी, और अभी तक परिचय में कहा जा रहा था कि जौनसार बाबर में मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है,
मेरे छोटे भाई इंजीनियर नरेश चौहान जी, और एक ऐसा नाम है जो युवा कम जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जब गुंडों का आतंक हुआ करता था उसको समाप्त करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, ऐसे श्रीमान खुशीराम भट्ट जी हमारे बीच में हैं। आप उत्तर प्रदेश में सीओ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आज सेवानिवृत्ति के पश्चात आप देहरादून में निवासरत हैं, परंतु एक समय में आपका उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम हुआ करता था और राष्ट्रीय स्तर पर आपने कबड्डी भी खेली है। मैं केवल मेयर साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्रीमान विनोद चमोली जी देहरादून के मेयर थे, जौनसार बाबर महासभा के माध्यम से और वीर शहीद केसरीचंद युवा समिति के माध्यम से, और यहाँ पर आपके पास एक मांग आई थी कि देहरादून का जो गांधी पार्क है